दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि गुप्ता जी के साथ सभी लोग मिस्टर मीट और हगी वगी से बचने के लिए कार की तरफ भागते हैं। जैसे ही गुप्ता जी अपनी कार में बैठते हैं, तभी मिस्टर मीट और हगी वगी कार के सामने आ जाता है। लेकिन गुप्ता जी अपने कार से दोनों को उड़ा देते हैं। फिर मिस्टर मीट अपनी चालाकी से बाबा को खिलौना बना देता है और उन्हें बचाने के लिए सभी लोग मिस्टर मीट के घर आते हैं, जहां गुप्ता जी भी खिलौना बन जाते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। गुप्ता जी, तुम्हें छोड़कर सभी लोग यहाँ से भाग गए। मिस्टर मीट, तुम ज्यादा खुश मत हो। वे लोग कहीं भागे नहीं हैं। वे लोग तुम्हें मारने जरूर आएंगे, इसलिए अपनी जान बचाने की चिंता करो। गुप्ता जी, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अब तुम और बाबा खिलौना बन गए हो। तुम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुप्ता जी और मिस्टर मीट आपस में बहस कर रहे होते हैं और उधर जम्पर सभी को आश्रम ले आता है। बाबा, गुप्ता जी भी आपकी तरह खिलौना बन गए हैं। अब गुप्ता जी को कैसे बचाएंगे? मिश्रा जी, घबराओ नहीं, हम सब मिलके गुप्ता जी को बचा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा अपने आप को ठीक नहीं कर पाते हैं। मिश्रा जी अरोड, लगता है मैं अपने आप को ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वापस मैं अपने असली रूप में नहीं आ पा रहा हूँ। क्या? अगर ऐसा है तो गुप्ता जी भी वापस अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगे। हाँ मिश्रा जी, अब लगता है मैं और गुप्ता जी हमेशा के लिए खिलौना बने रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिस्टर मीट और हगी वगी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिश्रा जी गुस्से में मिस्टर मीट के घर जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड मिश्रा जी को जाने से रोक देता है। मिश्रा जी, गुस्से में फैसला मत लो, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है बाबा, लेकिन अब आगे क्या करें? मिश्रा जी, सबसे पहले हमें गुप्ता जी को वापस यहाँ लाना है, इसलिए मैं अपनी शक्ति से पता लगाता हूँ कि मिस्टर मीट और हगी वगी कहाँ है। बाबा अपनी शक्ति से पता लगाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर मीट पूरे शहर में तबाही शुरू कर दिया है और हगी वगी सभी इंसानों को खिलौना बना रहा है। मिश्रा जी, मैं तुम्हें अपनी सभी शक्तियाँ दे रहा हूँ ताकि तुम मिस्टर मीट से मुकाबला कर सको, क्योंकि अब आखिरी उम्मीद बस तुम ही हो। बाबा अपनी पूरी शक्तियाँ मिश्रा जी को देने लगते हैं। मिश्रा जी, अब तुम शक्तिशाली बन गए हो, इसलिए सबसे पहले गुप्ता जी को यहाँ ले आओ और उसके बाद शहर को तबाही होने से बचाना तुम्हारा काम है। ठीक है बाबा, मैं अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन मिस्टर मीट और हगी वगी को जीतने नहीं दूंगा। मिश्रा जी, रॉड और जम्पर मिस्टर मीट का घर जाते हैं, जहां गुप्ता जी खिलौना बने हुए थे। उधर मिस्टर मीट और हगी वगी सभी इंसानों को खिलौना बनाता जा रहा था। कमजोर इंसानों, यदि तुम लोग मेरी बात नहीं मानी तो सभी लोग खिलौना बन जाओगे और फिर कभी भी इंसान नहीं बन सकते। तुम्हारी कौन सी बातें हमें माननी है? तुम लोगों के कोमल कोमल मीट खाना है मुझे। जब भी मुझे भूख लगेगी तब तब मैं तुम सबको खाऊंगा। मिस्टर मीट की बात सुनकर सभी लोग और भी अधिक डर जाते हैं और सब इधर उधर भागने लगते हैं। भागो भागो, हम सब मरने वाले हैं, हमें कोई बचाओ। हगी वगी, अब तुम कुछ लोगों को पकड़ के घर ले चलो, वहाँ मैं इन सभी को काट कर इसका मीट खाऊंगा। मिस्टर मीट की बात मानते हुए हगी वगी कुछ लोगों पर हमला कर देता है, ताकि मार खाने से सभी लोग बेहोश हो जाए और उसे आसानी से मिस्टर मीट के घर ले जा सके। उधर मिश्रा जी के साथ सभी लोग गुप्ता जी के खिलौने को ढूंढने लगते हैं। गुप्ता जी, आप कहाँ हो, मुझे बताइए। गुप्ता जी, आप कहाँ हैं? मिश्रा जी के बहुत कोशिश करने पर भी गुप्ता जी का पता नहीं चलता है, लेकिन तभी गुप्ता जी की आवाज मिश्रा जी को सुनाई देता है। मिश्रा जी, मैं यहाँ हूँ। कहाँ गुप्ता जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। अरे मिश्रा जी, मैं खिलौना बना हुआ हूँ और मिस्टर मीट मुझे पिंजरे में कैद करके रखा है।
मिश्रा जी तुरंत एक एक करके पिंजरे में देखता है, तभी वहाँ एक खिलौना दिखाई पड़ता है। गुप्ता जी आप घबराइए नहीं, मेरे पास बाबा की शक्तियाँ हैं, मैं आपको आसानी से बाहर निकाल लूँगा। मिश्रा जी अपनी शक्तियाँ से गुप्ता जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्ति काम नहीं करती है। मिश्रा जी तुम्हारी शक्ति यहाँ काम नहीं करेगी, इसलिए जम्पर तुम अपनी शक्ति से पिंजरा को तोड़ दो। जम्पर अपनी शक्ति से गुप्ता जी को बाहर निकाल देता है। जम्पर तुम गुप्ता जी को अपने साथ आश्रम ले जाओ और वहीं तुम बाबा गुप्ता जी का ध्यान रखना। मैं और रॉड शहर में जाते हैं जहां मिस्टर मीटर हगी वगी सभी को खिलौना बना रहा है। जम्पर तुरंत गुप्ता जी के खिलौने को अपने साथ आश्रम ले जाता है। रॉड अब बस हम दोनों ही इस दुनिया को बचा सकते हैं, इसलिए अपनी जान लगा देना, लेकिन मिस्टर मीट से हार मत मानना। मिश्रा जी की बात मानते हुए रॉड शहर की तरफ जाने लगता है। कुछ ही समय में दोनों शहर के अंदर आ जाते हैं। हगी वगी और मिस्टर मीट सभी इंसानों को छोड़ दो, वरना तुम दोनों मारे जाओगे। वाह मिश्रा जी तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत जो मुझे रोके। रुको अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मिस्टर मीट दौड़कर मिश्रा जी पर हमला करने जैसे ही आगे आता है, तभी मिश्रा जी अपनी शक्ति से हमला करते हैं, जिससे मिस्टर मीट दूर गिर जाता है। क्यों मिस्टर मीट कैसा लगा मेरा जलवा? मेरा हमला से तुम्हारा होश ठिकाना आ ही गया होगा। मिश्रा जी की बात सुनकर मिस्टर मीट गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। हगी वगी इन दोनों को खिलौना बना दो, तब समझ आएगा मिस्टर मीट से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को बुलावा देने का है। मिस्टर मीट की बात मानते हुए हगी वगी दोनों को खिलौना बनाने के लिए आगे बढ़ता है। रॉड अब अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही हगी वगी आगे आता है, तभी रॉड बहुत ही चालाकी से हगी वगी पर नाइट्रोजन गैस से हमला कर देता है। नाइट्रोजन गैस के हमले से हगी वगी जम जाता है और यह देखकर मिस्टर मीट तुरंत अपनी घर की तरफ भागता है। रॉड जल्दी से चलो, मिस्टर मीट भाग रहा है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। रॉड और मिश्रा जी मिस्टर मीट का पीछा करने लगता है। मिस्टर मीट तुम कहीं भी भाग जाओ, लेकिन आज बचोगे नहीं। मिस्टर मीट अपनी जान बचाने के लिए जंगल से होते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है। रॉड मिस्टर मीट तो बहुत तेजी से भाग गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ अपने घर गया हो। मिश्रा जी की बात सुनकर रॉड को भी लगता है कि मिस्टर मीट अपने घर की तरफ भागा है, इसलिए दोनों मिस्टर मीट के घर जाने लगते हैं। मिस्टर मीट कहाँ छिप कर बैठे हो? मुझे पता है तुम यही कहीं हो, डरपोक बाहर निकल। मिश्रा जी के उकसाने के बाद भी मिस्टर मीट नहीं आता है, इसलिए दोनों मिस्टर मीट को खोजने लगते हैं। इधर मिस्टर मीट अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, बस कुछ और देर, उसके बाद मैं वो हाल तुम्हारा करूँगा जो तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगा। इधर हगी वगी भी ठीक हो जाता है और वह वापस मिस्टर मीट का घर जाने लगता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मिस्टर मीट का दिमाग में क्या चल रहा है? क्या इस बार मिस्टर मीट जीत जाएगा या मिश्रा जी अपने दिमाग से मिस्टर मीट और हगी वगी का मुकाबला करेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।